नमस्ते दोस्तों, मैं समीक्षा डेरान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी हिमालयन फेरिया में। फ्रेंड्स कैसे हो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मैं अच्छी हूँ, जबरदस्त हूँ। एप्पल सीजन का व्लॉग काफी लंबा चला और उम्मीद है जो कुछ नई सीख मुझे मिली आपको भी मेरे वीडियो से सीखने को मिलता। हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे जो वीडियोज है वो अच्छे हो, आपको और कुछ जानने को मिले। और खासकर जो आप कमेंट लिख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, मुझे बहुत खुशी हुई। रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज क्योंकि आजकल थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ, तो जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगी। ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस करते रहा करो। आज से जो है हमारे गांव में परिष्टंग शुरू है। परिष्टंग किन्नौरी में और हिंदी में प्रतिष्ठान होता है, वो भी मंदिर का, तो पूरा कार्यक्रम उसके तहत चल रहा है। और हमारे जो महेश्वर जी है उनकी उनका विशेष ये है कि नोटिफिकेशन है मंदिर कमेटी की तरफ से कि वीडियो वगैरह ना बनाए और बिल्कुल बनाए। और हम शुरू से ही हमने कभी, क्योंकि हमारे महेश्वर जी जो है वीडियोस में नहीं आते, तो हमने कभी उनका फोटो वीडियो नहीं बनाया है और अभी भी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके आदेश का पालन हम जरूर करेंगे। बाकी हम डेली की तरह ब्लॉगिंग बना रहे हैं। मैं बहुत लेट हो गई, मुझे जाना है, बहुत लेट हो गए, हम काम कर रहे थे। अब फ्रेंड्स देखिए समीक्षा बहुत लेट हो गए, इनको फोन पे फोन आ रहा है तो ये अभी, हाँ हाँ मैं सब उठाऊंगी, जाओ जाओ सब उठाओ, जाओ जाओ ये जा रहे हैं। आजकल जब भी देखेंगे आप लोग देखेंगे बिजी बिजी बिजी, ये बहुत बिजी बिजी। जाओ 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 जल्दी जाओ, सच में जाओ इंदू, लेट हाँ चीज सच में रहो इंदू, बीबी भागी, ये बहुत लेट हो गया, इनको मैं बोलूँ जल्दी जल्दी जाओ। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि क्या वहाँ पे, तो हम नहीं दिखा सकते हैं पर हम घर पे तो दिखा ही सकते हैं कि क्या चल रहा है। आज हम सारे कजन्स इकट्ठा हुए हैं, सारे तो नहीं हुए, एक आध नहीं आए हैं, तो मैं अपने कजन से भी आप सभी को मिलाऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए अब समीक्षा जा रहे, आशु तू भी जा रहे, जाओ ना इंदु लेट हो रहा है, आप जाओ कर दी। यहाँ देखिए इनका अपना मेकअप चल रहा है, क्या चल रहा है मुस्कान, अरे देख तो देखिए जी मुस्कान जी, अरे शर्माते हुए इसको देखो ध्यान से, ये ना पिछले एक घंटे से ना शीशे के सामने मुस्कान फेस कर इधर, फिर बोल रही है मत डालो वीडियो में, मत बनाओ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पिछले एक घंटे से ये लड़की शीशे के सामने के शीशे के सामने देख रही है मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अब शर्म आ रही है। इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब मंदिर गए है, सिर्फ मैं हूँ और जो पेंट का काम कर रहे वो है। फोर हो गई, इतनी नींद लग रही है ना मुझे, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं, फिर मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि एक साइड से पेंट वाले काम कर रहे। हमने इनको बोला कि आप छुट्टी करो तो ये बोलते नहीं हम छुट्टी नहीं करेंगे, हमें मतलब कि घाटा लगता है, तो ये तो एक साइड से काम कर रहे हैं और बाकी सब चले गए। फ्रेंड्स मुझे इतनी नींद लग रही है ना, ऐसा मन कर रहा है मैं सो जाऊं पर मैं सो नहीं सकती, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो ऐसा है कि खाना तो सब उधर ही खा रहे, तो फिर मैं सोच रही हूं अभी कुछ खा लेती हूं, ये सब खा रही हूं, टाइम पास कर रही हूं, टाइम पास। इसमें क्या यार लिख ही नहीं रहा, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना खाते रहो खाते रहो, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। क्या बोलूं समझ ही नहीं आ। मैं तो डिनर के लिए बैठ गई, कोई आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं तो सभी डिनर करके आएंगे तो मैं भी डिनर कर लेती हूँ सबके आने से पहले। तो मैंने कढ़ी चावल बनाया, ये कढ़ी है और ये चावल है, जैसे बाकियों का क्या वेट करना क्योंकि सब डिनर करके आएंगे, तो मैंने सोचा कि ये देखो आते ये बोल रहे कुछ खाना है इनको, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे, क्या खाने में आपको, यहाँ देखो इन्होंने ये निकाल दिया, तो खाना है ना वो चीज़ नहीं दिख रहा है इनको, पता नहीं क्या खाने का मन कर रहा, कुछ तो खाना है, कुछ तो खिलाओ, क्या खिलाए भाई आपको, कुछ तो खाना है ना पर कुछ तो का नाम भूल गया आजकल, मुझे बहुत भूलती हूँ, मतलब क्या हो गया भूलने की बहुत बड़ी बीमारी, अब भी तो मैं सोच के ये खाओ पड़े जो है खाना, बाकी तो आने का फ्रेंड नाम ही नहीं ले रहे, रात के 10 बज गए कुछ अता पता नहीं है, दस नहीं दिन को सुबह के टाइम तो इतने सारे थे,
फिर उसके बाद सब चले गए, एक 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 करते हुए सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब कोई आने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे मुझे मत बनाओ, फ्रेंड से बनाओ। अच्छा ठीक, इनका ना जी नहीं भर रहा है, पता नहीं। अब ऐसे बोले मैं लस्सी पीऊं, यहाँ देखो अभी हमने ये खाया, फिर भी इनको बोले कुछ तो खिलाओ, कुछ तो खिलाओ। मुझे क्या हो गया ना, आजकल मुझे भूख बहुत लगती है, मतलब भूख भी लगती है, मतलब एक दूसरी वाली भूख भी लगती है, मतलब खाना वाली भूख तो नॉर्मल है ना, खाना खाएंगे। और ना उसके अलावा भी क्या हो रहा है, खाऊ सेब खाऊ नाशपाती खाऊ क्या खाऊ। हाँ अखरोट खाने का दिल कर रहा है मेरे को, पर यहाँ अखरोट पता नहीं है, अखरोट ऊपर पड़ा हो। क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, अभी ना इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है ना, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है ना, बजा रहे, मुझे जाने का मन कर रहा है। तो मैंने उनको फोन किया, अभी मेरे कजन को फोन किया, मैंने बोला तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आओगे तभी तो मैं जाऊंगी। पर वो लोग वो आ ही नहीं रहे। मुझे ऐसे बोलते खाना खा के आएंगे हम, पक्का आएंगे, इतना टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया, वो आ ही नहीं रहे। मैं बोल रही हूँ प्लीज यार आ जाओ, मैंने भी जाना है, अब तो टाइम हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने उनको कितने 7:30-8 के करीब कॉल किया था, अभी 10 बज रहे वो आ ही नहीं रहे। अब देखा पहले और अभी में फर्क पता चलता चलते, देखो कितना अच्छा बन गया कैमरा, तो बना तो क्या करूँ फिर मैं। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, जिसका जिनका वेट करते ही सब के सब आ गए। इसमें कई कई छुपने वाले चले गए, जो छुप रहे हैं, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, ये लेके आए जैसे लोग। अब पार्टी करने का मूड है, रात को क्या करना है, डांस करना है, बोलो भाई बोलो। मूड है इनका डांस करने का, इनका आंसू आ रहा है। मेरा नहीं, मैं सिर्फ बजाने वाला हूं, मैं सिर्फ बजाने वाला हूं। इनका अच्छा अच्छा सब नाचने वाले मेन ना, मैं आपको अपने कजन से मिलाऊंगी, कुछ नहीं आए हैं, कुछ आए हैं इसमें तो यहाँ पे आया हम कुछ जन, लेकिन इन इनसे ना ये आशु, ये रिशु, ये शिवानी, ये राधिका, ये मुस्कान, ये समीशा, नहीं इनके साथ हम ब्लॉग फिर कभी बनाएंगे, क्योंकि हम सब ना कजन ने ना गैदरिंग करने का सोचा है, अभी आगे नहीं जाएंगे एक जगह सोच के, फिर हम जाएंगे उस टाइम अच्छे से दिखाएंगे कौन कहाँ कैसे। आज बस ये कि नाचने का प्लानिंग है, आवाज भी बंद हो गया, दिन भर काम करके थक गई, लेकिन मैं नाच कहाँ से लाए भाई, अपने ऐसा दिन नहीं मिलेगा। ये देखो पूरा बना के आए प्रोग्राम, तो अब डांस करने रात वैसे ऊपर मंदिर में डांस चल रहा है और हम यहाँ करेंगे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा और कॉपीराइट क्लेम आता है इस वजह से आपको दिखा नहीं सकती हूँ, स्ट्राइक आता है, तो आप लोग ऐसे दिखाएंगे बिना आवाज के, बिना आवाज के दिखाएंगे कैसे नाच रहे। ओके ये यहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो वैसे देखो कौन छोटा है, मैं तो उससे बड़ी हूँ। चाय बनाए, जाओ बस लाओ, लाना तो पड़ेगा भैया, अब लाना पड़ेगा। गया गया, मिलेगा नहीं भाई, बोलो जाओ कहाँ है। रिशु रिशु आजा, मैं बताती हूँ कहाँ है तुझे, कहाँ गया ये ऐसी नीचे नीचे। आप ही बोल रहे पापंग का है, का पापंग ही बताती हूँ। सुन ऋषु, गैस के ना नीचे है, उसे उठा के गरम करके लाइयो, गिलास में डाल के, है ना, 1-2-3-4-5 डिस्पोजर के गिलास लाइयो, डिस्पोजर के गिलास। अब चाय आ गया, नमकीन चाय बोला था, मीठा चाय आया, नमकीन चाय मिला ही नहीं। ये कैमरा पकड़ो यार कोई, जहाँ से अच्छा आएगा। अब तो गाँव का रोड मेटल हो गया। अरे पीछे जाओ ना, मैं इतना बोल रही हूँ, बस पे चाय लाना पड़ेगा, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ, बस भीड़ चल, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, कोने में जाओ, सब एक साथ नहीं आ रहे हैं एक ही फ्रेम में, कोने में घुसो। यार मूड खराब हो गया एकदम, के ये तो मीठा चाय हो गया, हमारा ऐसे कबाड़े पीछे जाओ पीछे, जैसे मधुमक्खी छाता बना ली इकट्ठा हुई है। आप राधिका के सामने कहाँ आ गए, सच में मीठा चाहे, अब इंदु जाएंगे, अब बिस्किट भी नहीं लाया, ऐसे किसी को मजा नहीं आ रहा, अब अगले शिफ्ट में जाएंगे। मुझे सिर्फ चाय बोला ना, ये बोला नमकीन भी ना बिस्किट, अब ला सकते सिर्फ चाय, आए तो स्पोक वकील ही पॉइंट, तो फिर तो हम भी वकील बन जाए इसका, ये तो आपकी गलती ना, हमने पूछा नहीं ना। क्या कर रहे हो, मैं लाऊंगी, मैं जाती हूँ।
अब यहाँ मासी आ गए कचहरी बिठाने। शिवानी का मुंह कैसा? मासी ने सोना है, आप बाहर सो मासी। मासी बाहर कोने में जो है बिस्तर। मतलब 12 तक क्या बोलते हैं जितने भी क्लासेस है, कल से 9 बजे स्कूल आना। इसने पढ़ा 6 तारीख से 12 तारीख तक छुट्टी। हमने सबको फोन कर दिया छुट्टी है और सब बच्चे खुश। मम्मी बाद में अच्छे से पढ़ा ना मैंने, बाद में मैंने भी देखा विद्यार्थी स्टाफ मेंबर सबको सूचित किया जाता है। कोई मेरे उसका इन दो दिन पर रखो चाय टोपी नीचे। मैं इतना मेहनत करके चाय सिलाई ताकि टोपी और एक शॉप पूरा नाचना है उसका सोने मैंने राधिका ने टोपी देख के रख मेरे नीचे तेरी ऊपर है मम्मी को दो तो चाय पियो मम्मी। आप ही चाय हम लोग पता है सच में इनको मैं बोल रहा हूँ। हम ना एक दिन के लिए बनाते प्रोग्राम ना कहाँ के लिए चलो फाइनल परसों ही बोल रहा था इनको है ना, ये सेवा वाले ये है ना। अब सेवा वाले को पूछना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन है कि नहीं। आपका दिलदारी कर दिया है। अच्छा ओ हेलो हेडफोन आपत्ति तो नहीं है ना? ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है तो पता है इसको कुछ नहीं पता नहीं हम मुझे हंसी आ रही इसको कुछ भी नहीं इसे कुछ भी नहीं पता चला हेडफोन लगाया था